नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल चले में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम NCERT ज्योग्राफी क्लास 7 के 4th चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वायु। और वायु पे आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या है खास। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर वायु की चादर है, घनी चादर से घिरा हुआ है पृथ्वी, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमने वायुमंडल के बारे में पिछले चैप्टर में भी काफ़ी विस्तार से जाना है। तो पृथ्वी पर सभी जो जीव है जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर रहते हैं। और जब हम सांस लेते हैं, है ना, तो वायु प्रदान या फिर सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह जो चादर है वो ना हो तो हम एक दिन भी सूर्य की गर्मी से कह सकते हैं कि जलकर भस्म हो जाएंगे, रात के समय ठंड से जम सकते हैं। तो यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो वायुमंडल है ये काफ़ी हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। चलिए हम कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती जो है वो इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। किंतु जब कारखाने कार के धुएँ से वायुमंडल में इसका जो स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण ही पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई जो बर्फ है वो पिघलती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि होती है और इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। और इसके कारण कुछ पौधे और कुछ पशु लुप्त हो सकते हैं, जैसे कि आपने सुना डायनासोर जो अब लुप्त हो चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वायुमंडल का संघटन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी ये दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है। और इस गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। देखिए, इस चित्र में भी काफ़ी सुंदर तरीके से दिखाया गया है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, जो पीला है 0.93, ये है आर्गन है। अन्य सभी जो रेड है वो है 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.03। तो सबसे ज़्यादा कर सकते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। देखिए, इसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। इस चित्र में वायु के संगठन ये जो बालिका दिखा रही है, नाइट्रोजन जो है वो वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। और जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर हम उसे बाहर निकाल देते हैं। मतलब नाइट्रोजन अंदर तो जाता है लेकिन हम उसे लेते नहीं हैं, बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं अपने जीवन के लिए इन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकताएँ होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, मृदा मतलब मिट्टी और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेते हैं और इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। देखिए, जो ऑक्सीजन है वो वायु में प्रचुरता से मिलने वाला दूसरा गैस है, हमने अभी जाना 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए, यहाँ पर एक और विशेष जानकारी है, आप साइड कॉर्नर में देख सकते हैं कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है।
ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, नीचे रहने की इसमें प्रवृत्ति होती है। लेकिन गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही गर्म वायु कह सकते हैं कि ऊपर जाती है, तो वो जो स्थान खाली रहता है उसे भरने के लिए ठंडी वायु वहाँ पर आ जाती है। तो इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों पर पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो पादपों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, बराबर, और जिससे यह संतुलन बना रहता है। लेकिन ये जो संतुलन है वो कब बिगड़ता है, तो जब हम कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से ये जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है। तो वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं, जिसके स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए, यहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर के कटिंग है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है किस तरह से प्रभावित हो रहा है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वायुमंडल की संरचना। इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था, और इसके बारे में आज हम कुछ विस्तार से जानेंगे। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है, विभाजित है। तो जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है, सबसे पहले है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। बाह्यमंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके सभी को विस्तार से जानते हैं। तो जो सबसे पहले है वो है क्षोभ मंडल, और यह जो परत है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद है, मतलब आप कह सकते हैं कि हम कहाँ निवास करते हैं, तो क्षोभ मंडल में। और यहाँ पर वायु में हम सांस लेते हैं। मौसम की जो लगभग सभी जो घटनाएं हैं, जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, इसी परत के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारा जो मंडल है, दूसरा जो मंडल है वो है समताप मंडल, और यह क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग रहता है, और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये जो परत है बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से ये मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए भी काफ़ी आदर्श होती है। देखिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस मंडल में हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं, तो आप कहेंगे समताप मंडल में। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये जो परत है सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मंडल है। आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मंडल है, तीसरा जो मंडल है वह है मध्य मंडल, और यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले हल्का जो उल्का जो पिंड है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड है, इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो किस परत में उल्का पिंड प्रवेश करने पर जल जाते हैं, तो मध्य मंडल। नेक्स्ट और चौथा हमारा जो मंडल है वो है बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। और वास्तव में पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो ये पूछा जाता है कि किस मंडल में
रेडियो तरंगे प्रसारित होती है तो आप कहेंगे बाह्यमंडल में, बहिर्मंडल नहीं बाह्यमंडल में। नेक्स्ट और अंतिम हमारा जो मंडल है वो है बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है और यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, इसी से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो इस तरह से ये पांचों मंडल है, इसकी क्या विशेषता है, इसके अंदर क्या खास है, हमने इसे विस्तार से जाना। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मौसम एवं जलवायु, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले। धन्यवाद।